दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरी आज की पहली मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स हैं। तशरीफ लाती हैं ताशफीन सफदर। ताशफीन जी, ये बताइए कि जब ईद गुजरी अभी, तो आपने कितनी ईदियाँ बांटी अपने हलके में अपने लोगों को? हाँ फिज़ा, इस दफ़ा वैसे तो थोड़ा सा सोगवार होके कहना पड़ता है कि ईद इस दफ़ा ऐसी नहीं थी कि वो मनाई जाए, लेकिन रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं कर सकती थी, जो राशन बांट सकती थी, जिस तरह से, वो मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आपने कोई फितराना वगैरह तो ज़रूर जी 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 जो बच गया है वो दीजिए। अच्छी खासी डील बन रही होती है, मैं बात समझा रही होती हूँ, उस तरफ ला रही होती हूँ, पहले से आप जो है ना मेरा सारा काम खराब कर देते हैं। अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, खुद नहीं मांग सकता, कुछ साथ वाला ही मंगवाता है। अच्छा, जैसे मैंने रखा है इनको मांगने के लिए। तुम जितना मर्जी मांगते रहो, वो PTI के हैं, उन्होंने कुछ नहीं देना। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, हम तो आप पूरे मुल्क के लिए मांगते हैं, पूरी दुनिया से, कि ये मुल्क अमीर हो जाए। सारी दुनिया की हुकूमत जब कोरोना है पैसे बांट रही है, ए वाहिद हुकूमत है जिन्हें अकाउंट खोला के सानू दियो। आइए जी, तशरीफ रखेंगे। नाज़रीन, मेरी आज की दूसरी मेहमान खूबसूरत शख्सियत के साथ साथ खूबसूरत आवाज की मालिका भी हैं, बड़ी उभरती हुई सिंगर है। तशरीफ लाती हैं आसमा राजपूत। ताशफीन जी, ये चीनी की स्कैंडल रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन अब तक मुतल्लिका लोगों के खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं दायर हुआ? अच्छा, पहला सवाल ही चीनी रेफरेंस पे है ना। सानू ते लुट के खा गए सारे चीनी वाले, जो तो रिपोर्ट आ गई होना ते भी उन पर्चे थे हो। नहीं, ये पहली बात तो ये कि रिपोर्ट तो हमारी हुकूमत में आई ना, सबसे पहली बात तो ये कि चीनी वाले तो आपको बड़े अरसे से लूट के खा रहे थे जी। पिछली कई हुकूमतें आपको खा रही थीं लूट के, आपको पता नहीं चला। ये इमरान खान की हुकूमत ही है जिसने सबसे पहले इंक्वायरी बिठाई कि जी होना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको बहरहाल ट्रेस आउट करना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये भी कहा जाता था जी फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं आएगी, फ्रांसिक रिपोर्ट भी आ गई। अब देखें, रेफरेंस भी आएगा, सब कुछ होगा। हमारा इसरार ये क्यों होता है कि जी ये क्यों नहीं हो रहा? इंशाल्लाह सब कुछ होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान को ठीक करने के लिए आए हैं और करके। जो तो भी रेफरेंस आया, पहला केस ही वजीर आजम साहब से हो जाना जी। वो क्यों? एज ए वजीर तजारत तो उन्होंने सब स्टडी आप प्रूव की है। ते आप ही बात खप पाती, एक ही हो गया, एक ही हो गया। मेरा ख्याल है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट में सारा आ चुका है और मजीद इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आ जाएंगी आगे। इसमें बिल्कुल किसी को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परेशान क्यों ना, ये मैडम 87 रुपए किलो चीनी ले लेके देखो कितना बुरा असर हो गया। देखो, देखो। मेरे एडे लम्बे बाल होते सी, हवा छोड़ते सी, की हाल हो गया। नहीं नहीं, ये बुरा असर तो पिछली कई हुकूमतों से ने आपका किया है ना, अब तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उन हुकूमतों में 55 रुपए रेट था चीनी का, लेकिन सब्सिडी का रेट बहुत ज्यादा था। जो भी सी सानू तो 55 दी लभदी सी ना, तुसी आके महंगी कीती, दसदा क्यों नहीं बोलदा क्यों? हम ही सस्ती भी करके देंगे, फिक्र नहीं करें। ए मैडम, बड़ी चीनी चीनी कर देने ऐ ते ना, जुत्ती लैन भी जान ना, तो उन्होंने जाके कहंदे कि मिठी जी जुत्ती है, वो कहंदे क्यों? कहंदे बच्चा मुंह च पा लंदा है ना। ते मेनू तो वैसे भी मिठी जुत्ती चाहिदी है, क्योंकि चाची तुहाडी मेनू मारदी है, ते मेनू पीड़ ना होवे, जरा मिठास आवे चंगा लगदा। इन्हां दे घर ते मेहमान आवण ते अपनी जुत्ती घोल के उन्हां पिया देने। गुलुकारी का आगाज कब और कैसे किया? बचपन से ही शौक था या फिर आपने किसी की कहने में आके गुलुकारी करना शुरू कर दी? हाँ, मतलब शौक नहीं था, लेकिन अब शौक है, अब तो शौक था ही नहीं। हाँ, शौक नहीं था। तो किसने सख्ती की आपको कि चल जाओ? शौक नहीं था, लेकिन कुछ काम होते हैं जो अल्लाह, सारे काम तो वैसे अल्लाह की ही मर्जी से होती हैं, तो बस ये कह सकते हैं कि किस्मत में लिखा हुआ था और करना है। आपकी किस्मत में मैं भी लिखा हूँ या आप इनकी किस्मत में जलील हो के मरे। अच्छा, ये बताइए कि फिर आपको टीचर जो थी वो बहुत डांटा करती थी, कोई सज़ा मिलती थी आपको कि आप क्लास से बाहर जाएं और जाकर वहाँ पे गाना गाएं, निकल जाएं क्लास से, जो ऐसी कोई सज़ाएं मिलती थी बचपन में जो बड़े होकर आप सिंगर बन गए, जब शौक ही नहीं था? नहीं,
कह सकते हैं कि कोई ऐसी सजा तो नहीं थी, पनिशमेंट तो सिर्फ होमवर्क ना करने की वजह से मिल सकती थी। कहना किसका माना फिर आपने जब आपको शौक ही नहीं था? अच्छा कुछ गुनगुनाती थी मैं सिंगर से पहले, मुझे गुनगुनाने का शौक खुद ही से हो गया। और फिर तो गुनगुनाना गाने को ही कहते हैं ना। हाँ, या गुनगुनानों में आप किसी को बुरा भला बड़बड़ाती थी? नहीं मतलब बचपन से शौक नहीं था। अच्छा तकरीबन 3-4 साल पहले ही मुझे स्टार्ट हुआ शौक। और जब मैं फ्रेंड्स में गुनगुनाने लगी तो सारे फ्रेंड्स ने कहा कि यार आपको गुनगुनाना चाहिए, आपको सिंगिंग करनी चाहिए। तो ऐसा भी हुआ है अक्सर कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे कॉल करके, और वो कहती थी स्पीकर ऑन करके, यार मेरी फैमिली सुन रही है अस्मा, वो वाला गाना सुना दो प्लीज़, वो गाना सुना दो। मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे ख़राब किया कि गाए 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 ओ तेनू कहंदियां से गाए गाए गाए। हाँ नहीं फिर इन्हें गाना शुरू कर दिता, फिर मैं क्या, मैं क्या यार तू टीवी ते गाया कर, बंदा बंद ते कर देंदा ना। आप तो गुनगुनाती थी ना, ये तो हिनहिनाते थे। ए साडा बाबा इंज नहीं गंजा होया, इहनू गाउण च नाम होया सी। इहने जदों पहला गाना गाया ना ते मल्ले वाले ने आके इहदी तजाब नाल टिंड कीती सी। मैंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं गाने के पीछे। मुझे नजर आ रहा है, गवाही हैं आप अपनी खुद। ताशवीन जी आप मुझे बताइए, बीइंग अ फीमेल पॉलिटिशियन आपको डिफिकल्टीज नहीं होती अपना घर मैनेज करने में भी, सियासत भी देखती हैं, फिर कैसे सब कुछ चलाती हैं? नहीं बिल्कुल होती हैं, होती थी, अब तो खैर आदत हो गई है। शुरू में बहुत फील हुआ था कि जी बहुत मुश्किल है। फैमिली सपोर्ट थी आपको? बिल्कुल फैमिली सपोर्ट, मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी। तो ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए ना हमें ज़रा, बिकॉज हम आपके काम को तो जानते हैं मगर आपकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी शेयर कीजिए हमारे साथ। बेसिकली तो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ, टोटली एक डिफरेंट फील्ड से मेरा ताल्लुक है, NCA से मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा NCA स्टूडेंट है और इतनी सोबर है आप, ऐसे बड़ी बात है। NCA से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ गई। वाओ तो इंटरेस्ट था आपका शुरू से? इंटरेस्ट भी था, फैमिली भी शुरू से क्योंकि पॉलिटिक्स में, तो फिर। अच्छा तो किस किस ने सपोर्ट किया आपको? सबकी सपोर्ट थी मेरे साथ। PTI आपने कैसे ज्वाइन की, इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे हुई और ये सब कुछ कैसे हुआ? देखिए जब जिस टाइम हमने PTI ज्वाइन किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, उस वक्त ये था कि ऐसा लगता था कि बहुत ही बुरे हालात थे, करप्शन और इस तरह की चीज़ें, तो मुझे हमें ये लग रहा था कि इस वक्त बेस्ट पर्सनैलिटी जो हैं जिनको इस वक्त हमें ज्वाइन करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए वो इमरान खान साहब हैं। अच्छा तो इट्स 10 ईयर्स बैक 2008 में आपने डिसीजन लिया था। हाँ. And you're satisfied with your? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताशवीन जी आप बताइए, जहांगीर तरीन और असद उमर में से आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? असद उमर। बड़े अफसोस की बात है, जहांगीर तरीन साहब आप हमारे बड़े फेवरेट भी हैं, मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपको पता है हमेशा हर जगह आपका नाम लेती हूँ। और पता नहीं क्यों ताशवीन जी आपके बारे में बात कर रही हैं कि मुझे जहांगीर तरीन एक आँख नहीं भाते और जो असद उमर है उनके आगे देखें कितने इंटेलिजेंट है, कितने स्मार्ट है, देखने में भी सियासतदान लगते हैं अगर वो ना भी बताएं। नहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आपने मुझसे पूछा हाँ कि आपको कौन बेहतर लगते हैं, मैंने कहा असद उमर, जहांगीर तरीन बहुत अच्छे हैं। और ये कह रही है कि जहांगीर तरीन जो है बिल्कुल मिस्त्री की शक्ल के, अब इनको आप फोन करके पूछेगा मैंने कौन सी तुम्हारी दीवारें चुनवाई थी। मैं क्या भेजा, आज जहांगीर तरीन साहब की बड़ी तारीफ करन रही हैं, लोधरा तो कोई अंबा दियां पेटियां आ गई। हाँ तो 2-3 बारिशें हो तो गई, अब हमारा आम खाने का हक तो है। इन्हें जो जहांगीर तरीन साहब के अंब खा लेना उन्होंने नाल ही जेल जाएगी। भाई मैं तो जहांगीर तरीन साहब को ये बताना चाहती थी कि जो PTI के लीडर्स हैं उन्होंने सिर्फ आंखें नहीं फेरी आपसे बल्कि जितने भी लोग हैं वो आपको गुड लीडर नहीं समझते, इन्होंने जो कहा फिर मैंने बता दिया, ऐसे ही हुआ है। कितनी सख्त गल किन्ने प्यार नाल कह रही, लगता कह रही है कि जहांगीर साहब मैंने आपकी आइंदा सालगिरह पे मैं केक लेके आऊँ। वैसे जहांगीर तरीन साहब नाल जो इमरान खान साहब ने किया ना जी, एक काटी लोगों नाल होए, उन्होंने देखो ना जहाज अपने च ढो ढो के इन्हों की हुकूमत बनाई है, इन्होंने आंदे ही उसे केस बनाता। अच्छा असद उमर आपके इतने फेवरेट क्यों हैं, उन्होंने ऐसे कौन कौन से कारनामे किए हैं जरा बताएं? नहीं एज ए लीडर एज ए पर्सन वैसे भी मैं शुरू से उनको बहुत एडमायर करती हूँ कि जिस तरह से वो पार्टी में, मैंने तो शुरू से क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं पार्टी में तो मैंने तो सबकी वर्किंग देखी है। जहांगीर तरीन साहब भी बहुत, आप बहुत गलत तरफ ले गई बात को, जहांगीर तरीन साहब से भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है और उनके भी बहुत एफर्ट्स हैं पार्टी के लिए, सभी लीडर्स अच्छे हैं। ज़बरदस्त वेरी नाइस।
असमें सुना आपने लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है, क्या ये सच है? नहीं किसने तो ये सच कब होगा? जब हम मरोगे। अच्छा बताओ ना, कोई है जिंदगी में? नहीं, प्यार मोहब्बत हुई है किसी से? हाँ, देख के को अच्छा लगा है? या बिल्कुल लगा है, लेकिन दुनिया मतलब दी। दुनिया मतलब दी भी ताल्लुक है? अच्छा पता, सिंगिंग फील्ड में जहेज ज्यादा मांग लिया आपसे क्या? हाँ जहेज ज्यादा मांग लिया बस। क्या मांग लिया? को बाजे, तबले, गाड़ी, गिटार, सितार? जी हाँ, नहीं हकीकत आप सुंदर है तो नहीं मांग सकते हम आपसे। हाँ वो गाड़ी, वो उन्होंने कहा गाड़ी भी लेके आना, जहेज भी दो ट्रक भर के लेके आना, और और किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो बस ये बात की थी, बाकी मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं करना चाहूंगी मैं। बस ये है कि मोहब्बत क्यों ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सामने पेश कीजिए, नाम लीजिए, बताइए। उनको तो बड़ा जलीलो ख्वार करना चाहिए जो जहेज की बात करते हैं। जहेज एक लानत है बस यार, मतलब बस दिल इतना टूट गया है ना कि मोहब्बत से तो यकीन ही उठ गया है। 3 साल मेरा निकाह रहा, मतलब निकाह में थी मैं उसके, 3 साल निकाह किया। उसके बाद मतलब उनकी फैमिली को भी मैंने इतना प्यार दिया, आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब जिस तरह मैं अपने मॉम डैड से मोहब्बत करती हूँ। ये शैतान था कौन, ये नाम तो बताइए। एदा पुत्र, एदा पुत्र। अब बाबे दे ससुराल ने भी इन्हू क्या कहा, अभी कुड़ी तेरे ना ब्याह लगी है, तेन दो ट्रक जेई दे भेजने। बस दो ट्रक आए, बजरी ला के चले गए। ते बाबे ने भी मटेरियल जाया ते नहीं किता, अपना थड़ा पक्का करा लिया। मगर जहेज जो है ना वो सबसे अच्छा चाची का आया है। अच्छा कैसे? पूरी गंदी जुराबों का एक ट्रंक भर के चाचे के लिए 2 दर्जन फटी हुई बनियाने और 2 सूटकेस कूड़ा। चाचे दी जहेज दी शॉपिंग किसी शॉपिंग मॉल तो नहीं हुई सी, स्क्रैप दी दुकान तो हुई सी। ए चाचे दी बेगम दा ना रूड़ी बनो से। सुबह सुबह लड़की वाले लड़के के घर में जब जाते हो तो कितना अच्छा नाश्ता लेके जाते हैं, तो वो क्या लेकर आए चाचा के घर में? सूखियां रोटियां, नाल मुर्गी वाले थोड़े से पोड़े, थोड़े जे उबले हुए चावल, नाल बंगाली दाल पतली नीरा। चाचा तो काफी देर पतीला आगे रख के दाल का यही सोचता था, पहले मुंह धो लूं या हाथ धो लूं, पहले मुंह धो लूं या हाथ धो लूं। अस्मा आप दुआ करो आपकी शादी चाचे जैसी ना हो, चाचे दिया रस्मा ते बढ़िया बुरियां हुई हैं। ऐदी शादी ते एनु किसी ने सलामी नहीं पाई, हर बंदा हथी पे ऐदे अगे आके। बाकी शादियां दे जो बरात आउंदी तेल चोंदे ना, ऐदी वरी इना ते मिट्टी दा तेल पाके अग ला दित्ती। बाकी सालियां तो दूध का गिलास लेकर आती हैं, ते ऐदी साली बिल्ली अगो दूध दा प्याला चुक के ले आई सी। चाचे ने जदो दूध दे प्याले नु हाथ ही लाया ते बिल्ली ने ओ खरोंडे मारे चाचे नु। एक कोट चाचा पीवे ते एक कोट बिल्ली पीवे। चाचे दे व्याह ते खुसरे नहीं नचे, ऐ नचिया सी। आ गया लाकू बट भी ताडी लक दे विच आ के बोल रहा चला रहा अपना हर गल कर रहे नहीं कुछ पैदा वो की कर दिया अभी थे अरशद। और तेनू क्या करोना आ गया, करोना की वजह तो कर रहा कर भी तू वारा फिरदा रहना, तू लोशी नु ही कर लो मुड़ना कि नहीं मैंने यह दस पैदा। मैं तेन फिर दस देना भी कितने घर आ कि बाहर आ। अफसर आया ने दंद ना कट, मैं दसना समझिया कि नहीं मेरी, तेन मेरे इज्जत करे का नहीं पता। शुक्र कर मैं इतने आ गया, नहीं तो मैनू कड़ा बन देना ही। अपना लियाकू भट्ट मेरा पुत्र जे आ ही गया ना तो यह डस्टबिन भरी है चुक तो सुट गया, छापर च पा के रखो इतने। है तेरी शर्म ही नहीं, पुलिस वाले ने गल कैसे करी दी है? ए मैं क्या फिर दूसरी ड्यूटी भी करनी जे ओ केड़ी वे ए पीछे डक्का भी फसया कढ़ना जे 800 रुपया ला की मतलब तेरा आया है गल करना नहीं तेरे। व्याकू जी की गल असलम खा रहा आज वेला ही बैठा है तेनो काम तो था कोई नहीं गा। व्याकू जी आप 3 दिन से नहीं ना आ रहे, हम आपको इतना मिस कर रहे हैं, गटर का पानी सारा सेन में आ गया है। ਤਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲੀ ਛਾਪਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਗੱਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਆਕ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਜੇ ਲਿਆਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਾਰਗ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨਵਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨਵਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਆ।
ਤੂੰ ਅਸ਼ਰ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਬੜਾ ਡਰਨਾ ਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੁਸਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਵਧਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ मुरलीधरन दी मरी भैन दा मुंडा है। असल मैं तेनों किने गल दसी बई झाड़ू पटू झाड़ू पटू यार गल करने अशरफ कदों घर जाना तो नाम भूल जाते हैं इत्थे अशरफ नहीं है इत्थे आसमा राजपूत है मैनू तो अशरफ ही जापन दिया ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਕੂ ਪਾਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਪਰਾਂ ਮਰਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇੜ ਚ ਟਾਕੀ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਦੇ ਟਾਕੀ ਫੇਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾ ਛੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਛੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਆਸਮਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਫ ਨਾ ਯਾਰ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਨਿਬੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਤਾਰੋ ਸੇ ਕਰੇ ਬਾਤੇ आपके मियाँ जब कोई खाने की या फिर चाय की फरमाइश करते हैं आपसे कोई मुतालबा करते हैं तो आप उनके मुतालबात पूरे करती हैं या फिर ऑपोजिशन की तरह उनको झूठे लादे लगा के चुप करा देती हैं ये तो मियाँ ही बेहतर बता सकते हैं वैसे आप बता दो हमें कोशिश करती हूँ कि बना लूँ बना लेती हैं तो खिदमत करती हैं किचन जाती हैं हाँ जब सर्वेंट्स छुट्टी पर होते हैं तो अच्छा आपके मियाँ भी सियासत में अब तो हैं अब तो हैं नाम तो दीजिए जरा सबके सामने शाहिद महमूद साहब तो फरमा के नाम लिया मजा मजा क्यों आ गया शोहर उनके हैं आपके थोड़ी आज भी हमारे यहाँ मशरकी हुस्न पाया जाता है कि शोहर का नाम लेते हुए शर्माया जाता है हाँ। क्या बात है पहले जमाने में औरतें शोहरों का नाम नहीं लेती थी मेरे अब्बू का नाम होता था मक्खन मेरी अम्मी ने कभी नाम नहीं लिया छुरी मंगाते सन बात हाँ जी ना सी मक्खन पर उन्होंने कदे ना नहीं लिता सी बटर बटर कहंदे सर के तू बड़ी बटर बटर लाई है कभी नाम नहीं लिया रोज हमें सुबह सुबह कहना अपने अब्बू को लाओ मैं गरम गरम रोटी पे उनको चौपड़ बस और चौपड़ के बाद फिर उन्होंने बैकरी छाड़ डांदे सर अच्छा ये भी बताइए ना जब कभी बहुत ज्यादा आपको तंग करें खाने की कोई फरमाइश करें बोले बहुत मेहमान आ रहे ये भी पकेगा वो भी पकेगा तो किचन के बाहर आप जाके धरना देके तो नहीं बैठ जाती हैं कि नहीं आज किचन में कुछ नहीं बनेगा नहीं एक तो वो इतनी फरमाइशें करते नहीं हैं और अगर करें तो मेरी कोशिश होती है कि पूरी हो ही जाए अच्छा तो दावतें भी देखती हैं घर के रिश्तेदारों को भी सब बिल्कुल दावतें बहुत होती हैं हमारे घर तानू अपनी सस ते सौरा एंजी लगता होना जिवें नून लीग ते पीपल पार्टी ते बंदे नहीं जी मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं बल्कि मेरी सास तो हयात नहीं है लेकिन मेरे ससुर तो पक्के पीटीआई के हैं हर बहू के लिए उसके सास और ससुर घर में ऑपोजिशन लीडर ही होते हैं नहीं मेरा नहीं ख्याल देखें अगर बहू सास ससुर को अपने पेरेंट्स समझे ना तो सास ससुर के लिए वो बेटी होती है हाँ जी कई सास ससुर ऐसे भी होते हैं काफली जैसे हर हुकूमत के साथ मिल गए बहरहाल मेरी अपने ससुर के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है और तेरा केड़ा ससुर है टंबक टू जिन दे कार ते तेरा व्याह होया 1100 साल दा जिन है 900 साल दी उदी कुड़ी है जिदे नाल तेरी मंगनी होई है ते जदों व्याह होना है ना तुसी दोवें 2500 साल देते हो जावोगे
तो काफ में मेरा वलीमा होगा, सबको दावत है। वलीमा नहीं, कुलीमा कह। मैं इधर चाची वाले वेख वेख लिया बंदर का हैंडल ला घूमा बाबे वाल भी वेख वेख लिया जग च कमेटी पाई होंगी हफ्ता भर गल सोचते ने फिर इतने आगे भुल जाते ए बाबा पहले चाइना की फौज सी अच्छा करनल फोन करके कहता करनल साहब दुश्मन के 300 फौजी मेरे कब्जे च ने करनल साहब कहते लै आओ कहना मैनू आन नहीं देंगे बाबे के एक दोस्त ने इनू कहा कि मैनू कोई ऐसी स्कीम दस हाँ जी लाठी भी बज जाए तो सप्प भी मर जाए फिर कहता इट ना मार दे हसाउन आए हो के मशवरे देन आए हो चाचा डॉक्टर को लै गया अपने बच्चे नू फिर कहता जी एदी लत दा इलाज करो फिर वो कहते लत ते वढ़नी पैनी कहता पहलो दस दे मैं इनू नवे बूट लैते ने अज जिन्ने कार्टून दे लतीफे ने सुना के जाए चाचा पहली बार जहाज च बैठा अच्छा फिर उस दिन कहा जी बेल्ट बन लो तो उठ के रोला पाता कहना मेरा तो बेल्ट ही घर रह गया ओ बाबा भी पहली बार जहाज च बैठा फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की थी असी 1000 फुट की बुलंदी तक जा रहे हैं फिर बाबा कहता इस तो भी उत्ते पावे जाओ दसो ना मौला जट भी पहली बार ससुराल गया तो छितर खा के आ गया ओ क्यों उन्होंने आगे फ्रूट रखा तो अंगूर चुक के कहता है ये मुझे छील के दो मेरा दुश्मन कित्थे आ तेरा दुश्मन आ गया अज घाटे लाउंगे जे कुहाड़ियां तेज हो आके घूमते इंजन जिम्मे मदारी का बंदर नहीं घूमता इन्हों को एक बंदर नहीं इन्हों को दो बंदर ने ढोलकी नूं टूटी लाई हुंदी है इधर वेख लो टूटी नूं ढोलकी लाई हुंदी है इधर ते वेख हां जी सा मुक गया पर हासा नहीं इधर इधर ते वेख मां जी वैस्पे ते हार पाया हुंदा इधर वेख लो हार ते वैस्पा पाया हुंदा बाबा जी सुन लो अच्छा जी मैं बाबा जी दे घर गया चीनी वाला डब्बा चोरी लैके बैठे हो एक कप नाल चीनी कढ़न फिर पा देन कढ़न फिर पा देन मैं क्या की करी जा रहे हो मैं कहिंदे मैनूं डॉक्टर ने कहा घर च अपनी शुगर चैक करदा रहा कर ये बात थी आया मजा आया मजा नहीं आया जड़ा ना जी गलत हसदा बाद च माफी मांगदा फिर चलो अब तुम लोग आओ यहाँ आके पीछे बैठ जाओ आ जाओ सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे होती हैं हमेशा की तरह कुछ अजीब और गरीब खबरें आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं निर्मल से पहली खबर क्या है जी दुबई में बुरका पहनकर बीवी की जासूसी करने वाला खावंद गिरफ्तार लो बुरका पा के बुड्ढी नु फड़न गया सी ते आप भी फड़े ओए चाचा तेरे अला हाल जिस तरह तू चाची दा बुरका पा के किराने वाला को उधार ले आंदा चाचे ने एक दिन लाख रुपए की शॉपिंग की थी ओ किस तरह चाची दा बुरका पा के मार्केट गया है कोई टप दे रहा सी कोई प्लास्टिक दे बर्तन कोई स्टील दे ग्लास कोई खरबूजे कोई दवाने लोग तो इंज चढ़ावा चढ़ा रहे थे जिवें चाची नहीं उन्हां दा मुर्शद आ गया है चाचे नु उस दिन पता लगा कि चाची मकामी मार्केट च इन्नी मकबूल चाचा बुरका पा के जिस दुकान ते गया ना उन्हें रोटी चाह तो बगैर आन ही नहीं दिता चाचा हैरान परेशान कि मैनू ते हमसाया मूंह नहीं लाउंदा ते इत्थे इन्नी इज्जत क्यों हो रही है बाद च पता लगा कि सारी चाची दी पीआर काम आ रही है एक दुकानदार ने कहा अपना चेहरा ते विखाओ
अगो चाचा कहता है नहीं बुरके में रहने दो, बुरका ना उठाओ, बुरका जो उठ गया तो रात खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कारण के चाचे ने चाची नू ओ जूत फेरे, ओ चित्र फेरे। कहिंदा तू ते मैनू कहिंदी मैं घरों नहीं बाहर निकलदी, मार्केट दे विच ते तेरी इंज इज्जत है जिवें तू मार्केट कमेटी दी सदर है। आगे चलिए। कोरिया में सवार को देखते ही मरने की एक्टिंग करने वाला ड्रामेबाज घोड़ा। चाचे ने एक कुत्ता रखिया सी। अच्छा। जदों रात नू दे भौंका दा टाइम हुंदा सी ते ओह बेहोश हो जांदा सी। ओदी थां ते चाचा सारी रात भौंक भौंक के संघ सुका लैंदा सी। जदों सवेरे रोटी दा टाइम होना ते कुत्ते ने उठ के बह जाना। चाचे ने भी एक बकरी रखी सी। अच्छा। जदों दुध देण दी वारी आउणी ना उहने मरण दी एक्टिंग करनी, जदों चाचे ने पट्ठे लै के आउणे ते उहने उठ के बह जाना। होर ते होर चाचे ने एक बिल्ली भी रखी सी। जदों चूहा फड़न दा टाइम आंदा सी ना उह मरण दी एक्टिंग करन लग पैंदी सी, और जदों चाचा अपने मुँह नाल चूहा फड़ लैंदा सी उह दुध पीण लई तैयार हो जांदी सी। चाचे ने अज तक जिहड़ा जानवर रख्या उहने चाचे नूं जलील ही कीता। चाचे ने एक बांदर रख्या सी। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਦਰ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਵਾਰੀਆਂ ਧੂਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੜੀਏ। लंदन में 23,000 जुर्माने के खिलाफ मुकदमे पे 58 लाख खर्च, फिर भी शिकस्त। चाचे ने 500 दी जुत्ती ली। अच्छा। 55,000 दे उसे तरो पहलवा दी। चाचे ने कार चोरी हुई। अच्छा। मुश्किल नाल 1,950 रुपए दा कोई माल चोरी होया, ते चोर लबन लई अपना जाती 50,000 रुपया पुलिस वाले नु खवा दिता। चाचा एहो जिया बेवकूफियां करदा ही रहिंदा। अच्छा जी। 1,000 रुपए का चाचे ने सूट लिया, जे ओ जरा खुला सी इनू 3,000 रुपया इन्हें अल्ट्रेशन ते ला दिता। चाचे दा इंज ही बेड़ा गर्क होया सारी जिंदगी। अच्छा जी। एक बार इन्हें 1,000 रुपए दे आमले। अच्छा। ते उत्ते 23,000 रुपए की बर्फ लाती। और क्या खबर आई है। बैंकॉक में सिर्फ 9 मिनट में 6 किलो वजनी बर्गर खाइए और 50,000 रुपए का इनाम पाइए। अब बाबा खा सकता है 9 मिनट च भाई? ओ किवें जी? ओ ते 9 मिनट च 7,500 जुत्ती खा लंदा। ए साडा बाबा भी कमामूली चीज नहीं है। अच्छा। हां 9 मिनट च 12 किलो चौलां दी देख दी करोड़ी खा जांदा है। चाचा भी ओही बर्गर खान गया। अच्छा। उथों छित्र खा के आ गया। उन्होंने कहना 50,000 नाम है ना, मैनू 20,000 दे दियो। वो कहते सारा बर्गर तो तू खादा नहीं, कहना साइडां ते टुकियां ने ना। ए चाचे ने एक बारी अपने घर 8 किलो का बर्गर आप ही बना लिया। अच्छा। फिर एक महीना सारा टब्बर भुखा रहा। वो क्यों? ना चुकया जावे ना खादा जावे। हमने अपना प्रोग्राम आगे भी चलाना है, अब चलो यहाँ से निकलो। चलो चलो चलो। ताश्विन जी, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मरतबा आई हैं आप हमारे शो पे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप तो आती जाती रहती हैं। हाँ जी। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है बहुत। आपका शो तो वैसे भी माशाल्लाह सुपरस्टार। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। अब फिर जाते जाते आपको मैं मशवरा दूंगी कि कोई ज़िंदगी का अच्छा फैसला कीजिए और जल्दी कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।